नमस्कार, मैं समीर कक्कड़ साईका मोबिलिटी हब से आज आपके साथ फिर से जुड़ने जा रहा हूँ अपनी मन की बात के साथ। आज हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई हुई है जो जिनको एक हाथ नहीं है और एक पैर नहीं है, ऐसे जो भी कोई भी दिव्यांगजन है वो गाड़ी चला सके, इसके लिए ये डिवाइस बनाई हुई है। मेरी पहले आपसे गुजारिश है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप नीचे दिए हुए बेल आइकन दबाए, शेयर करें ये वीडियो दूसरे दिव्यांगजनों को और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको जो जो भी मेरे अनगिनत नए वीडियो होंगे वो आप मेरी मन की बात के साथ आपके साथ जुड़ता रहूँगा। तो मैं आज आपको जो जो डिवाइस हैं जिनको बोलते हैं इंडिकेटर एक्सटेंशन, बेसिकली जिनको एक हाथ में तकलीफ है तो उनको किस तरह की गाड़ी चलानी है, उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उनके दिमाग में जहन में होता है। तो मैं आज आपको मैं बताऊं कि कोई भी विकलांग है जिनको एक हाथ में तकलीफ है, यानी एक हाथ और एक पैर, या अकेले एक हाथ में तकलीफ है, कोई भी चाहे लेफ्ट या चाहे राइट, किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी हो किसी भी बॉडी के एंगल की, तो उनके लिए सरकार ने जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट में जो प्राविधान किया हुआ है उनके लिए ऑटोमेटिक गाड़ी का प्राविधान किया हुआ है कि भाई ऑटोमेटिक गाड़ी है वो कार वो चला सकते हैं, उनके लिए टू व्हीलर अलाउ नहीं है चलाना जिनको हाथ में क्षति है। इसलिए तो मैं आपको जो ये जिनको हाथ में क्षति है और जो ऑटोमेटिक गाड़ी में जो बात आती है कंट्रोलिंग की, स्टीयरिंग के पास जो इंडिकेटर होते हैं वो इंडिकेटर कैसे कंट्रोल करेंगे, रादर जिनका राइट हैंड ओके हैं और वो गाड़ी चला रहे हैं तो वो इजीली साइड सिग्नल, हेडलाइट, अपर डिपर वो सभी कंट्रोल कर पाएंगे, मगर जिनका लेफ्ट हैंड ओके हैं और राइट हैंड में तकलीफ है तो उनके लिए क्या होना चाहिए। तो इनके लिए हमने एक डिवाइस बनाया हुआ है जिनको बोलते हैं इंडिकेटर एक्सटेंशन डिवाइस। तो आए हम आपको ये बताते हैं इंडिकेटर एक्सटेंशन डिवाइस क्या है। ये जो इंडिकेटर एक्सटेंशन है जो मैंने बताया कि जिनके राइट हैंड में क्षति है तो आज वो ऑटोमेटिक गाड़ी है तो उनको चलाने के लिए एक हाथ जो अपना लेफ्ट हैंड है उनसे वो गाड़ी को स्टीयरिंग कंट्रोल करेंगे, मगर उनको जब भी जो हमारे बेसिकली जो भी हमारी ज़्यादातर गाड़ियाँ आती है उसके जो इंडिकेटर्स होते हैं उसको राइट साइड में दिया होता है, तो इसके लिए हमने ये एक डिवाइस बनाया है इंडिकेटर एक्सटेंशन जो आप आपके लेफ्ट हैंड से ही उसको साइड सिग्नल या लाइटिंग को आप ऑर्डर दे पाएंगे जिससे आप एक हाथ से आसानी से गाड़ी भी चला पाएंगे और ज़रूरत पड़ने पे आप इंडिकेटर का भी यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको ये जो भी है इंडिकेटर एक्सटेंशन, अब मैं आपको इसका लाइवली डेमो दे रहा हूँ। भरत जी आइए, भरत जी का राइट हैंड में जो भी है किसी भी दिव्यांगजन को जिसको राइट हैंड में क्षति है तो कैसे गाड़ी चलाएगा, तो मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ। भरत जी आप बैठे, आपके हाइट या सभी के हिसाब से आप सीट को एडजस्ट कर ले और इस तरह से आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो तब आप सेफ्टी बेल्ट को आप यूज़ कर ले। सेफ्टी बेल्ट पहले पहने, अब आपका ये लेफ्ट हैंड है वो बेसिकली जो भी दिव्यांगजन है जिनको इस तरह की लेफ्ट हैंड ओके और राइट हैंड में या कोई भी एक हैंड में क्षति है मगर आपको स्टीयरिंग पे नॉब, ये जो स्टीयरिंग पे नॉब है वो आवश्यक लगाना है, और जिसको लेफ्ट हैंड ओके और राइट हैंड में क्षति है तो उनको इंडिकेटर एक्सटेंशन, ये इंडिकेटर एक्सटेंशन इस तरह से काम करेगा कि आप नीचे करने पे आपका लेफ्ट साइड का साइड सिग्नल ऑन होगा और आपको ऊपर करने पे आपका राइट साइड का सिग्नल ऑन होगा, और आप इसको आपकी सामने की तरफ खींचोगे तो आपकी डाउन लाइट होगी और आपको उसको सामने की तरफ धक्का दोगे तो इसको अपर और डिपर की तरह वो लाइटिंग के लिए काम करेगा। इस तरह से ये इंडिकेटर काम करता है, और आपको जैसे ही मैंने बताया कि भाई अब आपको एक हाथ से पहले आपके राइट लेग से ब्रेक के ऊपर पुश करना है और आपको इग्निशन से आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है। जैसे इनका जो लेफ्ट हैंड है उनसे अभी हमने सेफ्टी बेल्ट लगा लिया,
फिर वो अपने आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करके स्टार्ट करेंगे। अब ये गाड़ी स्टार्ट मोड में आ गई है। अब आपको आपके एक हाथ से गाड़ी को जो स्टीयरिंग है उसको कैसे घुमाना है उसके लिए हम ये आपको बता रहे हैं। और आपको जब भी गाड़ी की जर्नी के समय आपको साइड सिग्नल की ज़रूरत पड़ी तो साइड सिग्नल कैसे देना है ये हमने लेफ्ट साइड के साइड सिग्नल को ट्रिगर दे दिया है। अब हमें राइट साइड के साइड सिग्नल को ट्रिगर देना है तो राइट साइड के साइड सिग्नल को ट्रिगर दे सकते हैं। और हम इसको लाइटिंग के लिए इसको लाइट जो है उसको अपर या डिपर जिस तरह से करना है ये आप कर सकते हैं आसानी से। ये आपके अपर और डिपर की तरह काम करेगा। इस तरह से ये आपकी गाड़ी में आप आसानी से कोई भी ऑटोमेटिक गाड़ी में ये डिवाइस लगा के आप आसानी से चला सकते हैं गाड़ी। और जो भी आप गाड़ी चलाएं उसमें अवश्य आप ये गाड़ी को एडेप्टिव क्लास में रजिस्ट्रेशन करवाएं और आप एडेप्टिव क्लास का लाइसेंस लेके ही आप गाड़ी चलाना। हमारी जो साइका मोबिलिटी हब है उसमें आपको किसी भी तरह की ज़रूरत पड़े तो हमें आप अवश्य लिखें या हमें नीचे दिए हुए कमेंट्स में भी लिखें तो हम आपकी अवश्य आपके साथ रहेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से इंडिकेटर एक्सटेंशन डिवाइस काम करता है। मैं आपको ये दूसरा भी एक बता दूं कि ये जो इंडिकेटर एक्सटेंशन डिवाइस है ये मैनुअल टाइप का है। आप जो इसमें ज़्यादा ऑटोमेशन में जाना चाहे तो एक दूसरा जो आता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। जो स्टीयरिंग नॉब होता है उसके ऊपर भी लगता है, वो उसकी प्राइस बहुत ही कॉस्टली होती है, मगर आपको लगाना हो तो वो भी एक आप ये लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर एक्सटेंशन डिवाइस कैसे काम करता है। साइका मोबिलिटी हब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटी के लिए मोबिलिटीज़ के लिए काम करता है। तो मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आपको किसी भी तरह के आपके कोई भी प्रश्न है या कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं आपके साथ अवश्य आपके जो भी प्रश्न हैं उसका सॉल्यूशन दे सकूँगा। नमस्कार, जय हिंद।